ਆਖਨ ਪਿਆਰੇ ਸਾਗ ਪੇਟੂ ਦੇ ਆਗ ਮਰਾ ਮੈਂ ਸਰਵਨ ਹਾਂ ਯਾ ਚੁਲਕੇ राजधर्म पालन कल्पकता संघटन कौशल्य इत्यादी गुणांनी पारतंत्र्य पडलेले प्रांतात स्वतंत्र मिळवून दिले। 6 जून 1674 रोजी शिवाजी महाराजांची राज्याभिषेक झाला। धन्यवाद। मेरा नाम मनोज नरेंद्र कांबळी है। विधाओं में भी निपुण बनाया था। धर्म संस्कृति और राजनीति की उचित शिक्षा दिलवाई थी। उस युग में परम संत रामदेव के संपर्क में आने से शिवाजी पूर्णतया राष्ट्र प्रेमी कर्तव्य परायण एवं With one voice, Shivaji Maharaj ki jai. On 3
On 3rd April 1680, Shivaji Maharaj died at the Raigad Fort, the protector of people. Passed away, he was a model son, a Persian. मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में दो शब्द बोलना चाहती हूँ। माननीय मुख्य अध्यापक, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों को इस शिव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव जयंती हर साल 19 फरवरी को खुशी और उत्साह के साथ मनाई जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी को हुआ था। वह एक महान राजा थे। वह भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। लगभग 300 साल मुगल राजाओं ने महाराष्ट्र पर शासन किया। यह विदेशी शासक लोगों पर अत्याचार करते थे। इनके शासन में महिलाएं और बच्चे, घर और जमीन सुरक्षित नहीं थे। लोग इन शासकों के शासन में असहाय महसूस कर रहे थे। इस समय शिवाजी महाराज के माता पिता शाहजी राजे भोसले और जीजाबाई भोसले ने मिलकर आज़ादी का सपना देखा और शिवाजी महाराज ने इस सपने को सच कर दिया। शिवाजी महाराज ने 16 साल की छोटी उम्र में तोरणा दुर्ग जीता। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई किले और दुर्ग जीते। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक समारोह 6 जून 1664 को रायगढ़ किले में किया गया था। शिवाजी महाराज अपने लोगों की रक्षा करते थे। वे साहसी, दृढ़ निश्चयी और एक आदर्श राजा थे। वे हिंदू धर्म के समर्थक थे, लेकिन वे अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे। यदि वे कुछ और वर्ष जी लेते तो हमारा राष्ट्र अधिक समृद्ध हो जाता। उनके शौर्य और पराक्रम को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इन शब्दों के साथ मैं अपनी भाषण को विराम देती हूँ। धन्यवाद। On the occasion of Shivaji Jayanti, I am going to say a few words about Shivaji Maharaj. On February 19th, the birthday of Chhatrapati Shivaji Maharaj is celebrated on a grand scale in Maharashtra. Shivaji was born at the Shivneri Fort on February 19, 1630. He was a great leader and the creator of a Maratha nation. He united the Maratha chiefs from Mawal, Holkar and Desh regions from a higher purpose, the promotions of Maharashtra Dharma. Carved out a small kingdom by defending the aligned powers. He established the state with effective civil and military administration and adopted a policy of religious tolerance to accommodate all religions and sects in his state. Shivaji was not only the marker of Maratha nation but also the greatest consecutive genius of medieval India. States fall, empires break up, dynasties become existence, but the memory of a true hero as king like Shivaji remains an imperishable historical legacy for an entire human race. His dazzling victories and every ready smile made him the ideal of his soldiers. A royal gift of jesting characters was one of the main claws of his success. Thank you. Yeah.
आता शनिवारी संत